नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y15C वर्सेस Oppo A54 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y15C में 6.45 इंच जबकि A54 में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Y15C में 2.96 इंच जबकि A54 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Y15C में 0.32 इंच जबकि A54 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Y15C से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y15C में 179 ग्राम जबकि A54 में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Y15C से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y15C में 83.02% जबकि A54 में 82.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y15C में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और A54 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y15C में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और A54 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y15C में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और A54 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही पावर GE8320 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Helio P35 मिलता है। बात करें RAM की तो Y15C में 3 GB की RAM मिलती है, जबकि A54 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB, 4 GB, 6 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y15C में 32 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि A54 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB, 128 GB, 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y15C में अप टू 1 TB जबकि A54 में अप टू 256 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y15C में Android V12 जबकि A54 में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Y15C में 2 कलर्स जबकि A54 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y15C में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ ₹10,377 में मिल जाता है। वही अगर बात करें A54 की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹13,489, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹14,490,
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹15,825 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo Y15C में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo A54 की तो उसमें 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में A54 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Xiaomi Redmi 10A है, तीसरा Realme C21Y है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y21A है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।